हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। माय नेम इज़ विवेक शर्मा। जैसा कि कल नितिन सर ने मेरा परिचय भी कराया था, मैं आप लोगों के सामने जो आपकी अब तक की समस्या चल रही थी मैथ की क्लासेस की, उसका समाधान लेके आ गया हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैथ की क्लासेस है वो हर रोज़ आपको मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं और उनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि 31 जनवरी तक सभी बच्चों को, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों को अपने फॉर्म फिल कर लेने हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को आपके मैथ की क्लासेस, जो भी आपको मैथ की क्लासेस दी जाएगी उसके पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। चलते हैं कि देखते हैं कि मैथ में क्या क्या पैटर्न आएंगे, क्या क्या टॉपिक आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आप लोगों के सामने मैथ्स के टॉपिक। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपका हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या प्रणाली। इनसे भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरा टॉपिक हो गया आपका फ्रैक्शन, यानी सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। भिन्न के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तीसरा टॉपिक हो गया आपका फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। फोर्थ टॉपिक हो गया आपका एलसीएम एंड एचसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएम का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो आपके एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस जरूर आएंगे। पांचवा टॉपिक आपका हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूब और क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। सातवां क्वेश्चन होगा आपका डेसिमल, यानी दशमलव के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। मेजरमेंट यानी मापन, मापन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। ये सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज इन्हीं के आधार पर आपके कंटेंट कराए जाएंगे। क्वेश्चन भी इन्हीं के आधार पर रोज के रोज आपको सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इन्हीं की क्लासेज आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज। एवरेज मतलब औसत। औसत के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो औसत का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा सीरियसली हमको लेके चलना है। और फिर है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। प्रतिशतता के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, ये तीनों टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से इनको समझना है। फिर आपका आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। इनके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में जरूर आता है। और लास्ट टॉपिक होगा आपका एरिया एंड वॉल्यूम, यानी क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, ये आपके टॉपिक हो गए सारे के सारे, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम का पैटर्न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका एग्जाम आएगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स के में आपको क्वेश्चन मिलते हैं 80। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 80 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और मैं 80 क्वेश्चन आपको बता दूं कि किन किन के, कौन कौन से क्वेश्चन, यानी अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग टॉपिक से आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आपके 40 क्वेश्चन तो आएंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1.25 मार्क्स का, ठीक है, यानी 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स की आपकी आएगी रीजनिंग। उसके बाद 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, इसमें भी ईच क्वेश्चन होगा 1.25 मार्क्स।
और 20 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज। इसमें भी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1.25 मार्क्स। तो आपका टोटल मार्क्स होगा 100 नंबर्स और क्वेश्चन होंगे 80। तो 80 क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको 100 मार्क अचीव करने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। तो पूरे डीपली से ये जितने भी टॉपिक है इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है। तो आपको ये पूरे 80 मार्क्स को करने के लिए, 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको समय होगा 2 घंटे का। कितने समय आपके पास होगा? 2 घंटे। तो आपको 2 घंटे में बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों, पूरी अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये पैटर्न था आपका मैथ्स का, मैं यही बताने वाला था। तो दोस्तों ये हमारा जो स्कूल है सैनिक स्कूल, यानी इसमें सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे थे, ज्योमेट्री स्कूल में सैनिक स्कूल की भी तैयारी की जाती है। और एक ऐप है हमारा एग्जाम ऐप, इसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये इस पे आपको हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का सिलेबस आपको मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगा कि वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और एक बात, चैनल को अगर आपको चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योमेट्री स्कूल के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए होगी तो हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।